पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाला हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता को कड़ी फटकार लगाई है। बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच को लेकर याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता शार्दुलगढ़ विधानसभा चुनाव लड़ चुके जगजीत सिंह मिल्खा की याचिका पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ऐसे मामलों में राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, हम ऐसे मामलों की कतई सराहना नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अदालत नागरिकों के लिए खुलकर काम करती है, लेकिन ऐसे मामलों को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। इसके साथ ही जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन दायर करने वाले नेता के वकील से पूछा कि इनका क्या इंटरेस्ट है, तो उन्होंने बताया कि जगजीत सिंह मिल्खा नेता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी कि मूसावाला हत्याकांड को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। जगजीत सिंह मिल्खा ने अपनी याचिका में पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। मिल्खा की दलील थी कि पंजाब सरकार ने एक दिन पहले ही सिद्धू मूसावाला समेत कई वीआईपी की सुरक्षा घटाई थी। इस हत्या से पंजाब में दहशत का माहौल है। जनहित याचिका में सिद्धू मूसावाला की दिनदहाड़े हत्या पर पंजाब सरकार पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। इसमें कहा गया था कि एक दिन पहले मूसावाला की सुरक्षा को घटाया गया, फिर उसको प्रचारित भी किया गया और अगले दिन मूसावाला की हत्या कर दी गई। जगजीत सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि इस कांड की जांच पंजाब पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंपी जाए। याचिका में कहा गया कि इस मामले के तार अंतर्राष्ट्रीय गैंग से जुड़े हैं, लिहाजा इसकी जांच राष्ट्रीय एजेंसी जैसे सीबीआई या एनआईए के द्वारा करवाई जाए। पंजाब में ड्रग्स और गन कल्चर आम हो गया है। खालिस्तान समर्थक पंजाब में बड़े पैमाने पर असर बढ़ा रहे हैं, ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। बता दें कि सिद्धू मूसावाला के पिता बलकौर सिंह भी जांच पर सवाल उठा चुके हैं। पिता ने कहा था कि मूसावाला को कत्ल करवाने वाले दो पापी अभी तक कानूनी शिकंजे से बाहर हैं। हत्या के बाद उन्होंने इसकी हाईकोर्ट जस्टिस से जांच कराने की मांग की थी, जिसमें सीबीआई और एनआईए की भी मदद की बात कही थी। केंद्रीय एजेंसी से जाँच की मांग को लेकर वे चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। इस दौरान एक बात और निकलकर सामने आई कि मूसावाला हत्याकांड की जांच में पंजाब पुलिस को ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। पंजाब पुलिस ने हत्याकांड में मदद करने वाले 14 लोगों को जरूर पकड़ा, लेकिन कोई शार्प शूटर नहीं पकड़ सकी। इसके उलट दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शार्प शूटर्स प्रियव्रत फौजी, अंकित सिरसा, कशिश उर्फ कुलदीप को पकड़ लिया है, जबकि पंजाब पुलिस उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ करने तक ही सीमित है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।